बात करें पता है क्या होते हैं, एनाटॉमिकल रीजन होते हैं जो बेटा बात कर बाहर की तरफ होता है, गुड़िया को कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। इसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें? रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी को अपन रीनल भी बोलते हैं, नेफ्रो भी बोलते हैं। और जो बेटा अंदर का रीजन उसको अपन बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें? जल्दी बोलो गुड़िया बात करें, क्या बोलेंगे? मेड्यूला। तो अंदर का मेड्यूला, बाहर का क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। गुड़िया बात कर अपन क्लासीफाई भी करते हैं। ठीक है गुड़िया बात करें, ये क्या है बताओ बेटा बात के हमारे पास? ये गुड़िया बात करें किडनी है। किडनी, किडनी की गुड़िया बात करें पता है वॉल है। आपको पता है बेटा बात में कोई भी ऑर्गन बोल तो गुड़े बात का मतलब मेम्ब्रेन, तो हमेशा गुड़े बात का किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। पर इस बेटा बात कर पता है मेम्ब्रेन के ऊपर आपको गुड़े बात के टफ कवरिंग मिलेगी, जिसको गुड़े बात का अपन क्या बोलते हैं बेटा बात का? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? और रीनल जो गुड़े बात करे कैप्सूल है, वे गुड़े बात करे कौन है बेटा बताओ? रीनल कैप्सूल जो है वो किसका बना होता है? रीनल कैप्सूल गुड़े बात कर बना होता है व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है? व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। दीदी बात करें हमारे पास एक टाइप के क्या होते बेटा बात करें? जल्दी बोलो, कोलेजन फाइबर के बंडल। क्या होते बेटा बात करें? क्योंकि फाइबर कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट, जब भी मैं व्हाइट फाइबर्स बोलता हूँ तभी दीदी आपको इतना समझना चाहिए बेटा बात करें कि पूरे बात करें मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ? कोलेजन फाइबर। किसकी बात करना चाह रहा हूँ? कोलेजन फाइबर की बात करना चाह रहा हूँ, है ना? पूरे बात करें ये, अगर इसको देखो पूरे बात के लगभग कैसा दिख रहा है? बीन सीड से दिख रहा है, सेम के बीच के आकार का। इसके ऊपर बाहर की पूरे बात करें कवरिंग होती है, इस कवरिंग को अपन गुड़े बात करें नाम क्या देते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रीनल कैप्सूल। जो बना किसका है गुड़े बात करें? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना है बेटा बात करें? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ठीक, गुड़े बात करें किडनी में बेटा बात करें जहां पे गुड़े बात करिए नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये नॉच जैसा स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है बेटा? नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहा है गुड़े बात करें? ये वाला जो सरफेस है वो उठा हुआ दिख रहा है, ये कैसा है? ये है बेटा कॉन्वेक्स उत्तल सतह। और ये गुड़े बात की जो दबी हुई तुम्हें दिख रही है, दिख रही है गुड़े बात करिए? कॉनकेव है। तो किडनी का बेटा बात करें नोच लाइक कॉनकेव स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा बात के हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम इज अ पार्ट ऑफ किडनी। हाइलम इज अ पर गुड़े बात करें यहां से आपका बेटा बात करें ऑरिजिनेट क्या होगा गुड़े बात करें नोच लाइक स्ट्रक्चर से? गुड़े बात करें यूरेटर। यूरेटर बेटू बात करें जो आएगा ना यूरेटर की, बिल्कुल हाँ, ब्रॉड गुड़े बात कर पता है फनल शेप स्ट्रक्चर। सॉरी, इसको अपन नाम देते बेटा बात कर क्या? यूरेटर। क्या है गुड़े बात कर? और यूरेटर गुड़े बात कर पता है आपको, पता है अच्छे से क्या होता है बेटा बात करें? जो पाथ प्रोवाइड करने वाले ट्यूब होता है, जो किडनी में छनने वाले ब्लड मतलब गुड़े ग्लोबुलर फिल्ट्रेट से जो यूरिन बनता है उसको उठा के कहाँ ले जाता है बेटा बेटा बात करें? गुड़े बात का यूरिनरी ब्लडर में। तो ये गुड़े बात करें वो हमारे पास क्या होती है बेटा बात करें? डक्ट होती है। किसी को दीदी याद है आपको बेटा बात करें कि जब यूरिन करते समय गुड़े बात का तकलीफ होती है कई बार लोगों को, जिसको हम बोलते हैं बेटा बात का स्टोन हो जाता है किडनी का, रीनल स्टोन। समझ पा रहे? रीनल स्टोन के लिए जिम्मेदार कौन होता है बेटा बात करें? कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल। किसके बेटा बात करें? कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल। कुछ लोग बोलते हैं खाने में दीदी बात करें पत्थर आ जाते इसलिए बुढ़े बात करें उनको पथरी हो जाती, कभी ऐसा हो सकता है क्या? पथरी का खाने के पत्थर से क्या लेना देना? मुर्गी तो बेचारी कितने सारे पत्थर खाती है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर दीदी ऐसे पत्थर से उसको होने लगे तो वो तो दीदी बुढ़े बात करें आए दिन बेचारी समझ पा रहे ऑपरेशन करवाने जाए, भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, समझ पा रहे मुझे क्या हो गया? रिनल स्टोन हो गया। तो बुढ़े बात करें ये हमारी बॉडी में ही जो बेटे बात का सॉल्ट अपन एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वो गुड़े बात के मेटाबोलाइज नहीं होते हैं तो वो डिपॉजिट होते रहते हैं और उनकी वजह से होता है गुड़े कैलकुलाई। अगर आप पानी कम पीते हो तो गुड़े बात के सॉल्ट का फिल्ट्रेशन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है, तो गुड़े बात के वो धीरे धीरे कहाँ जमा हो जाती है? किडनी में। क्योंकि किडनी में आ तो रहे फिल्टर तो हो रहा है ब्लड, तो ब्लड तो प्यूरीफाई होकर चला गया लेकिन प्रॉपर पानी नहीं पी पा रहे गुड़े बात के, तो वो यहाँ पे सॉल्ट धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। तो यहाँ पे गुड़े बात के उन सॉल्ट के डिपोजिशन से क्या बन जाता है? क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन नाम क्या देते हैं? स्टोन। और ये किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट से। किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बेटा बात करें क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को अपन नाम देते बेटा बात करके स्टोन, रीनल स्टोन। तो वो गुड़े किडनी में भी हो सकते हैं और कई बार गुड़े बात क्या पता है किडनी से सरक सरक के यहाँ पर आ जाते हैं। और सोचो गुड़े बात करके अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई आ गया स्टोन और उसने गुड़े बात के इसको रोक दिया, समझ पा रहे? यहाँ जमा हो गया,
अब इंसान को क्या होगा बताओ, उड़े बात करें, सुसु करने में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी? तो उड़े बात करें उसको क्या होगा, पेन होगा। क्या होगा, उड़े बात करें मतलब सुसु नहीं उतरती, बस सुसु लग रही वो उतर नहीं पाती है। तो फिर उड़े बात करें अपन क्या करते हैं, फिर करते हैं इसकी बेटा सर्जरी। क्या करते हैं, सर्जरी। आजकल दीदी अच्छी चीज ये है कि उड़े बात करें पर लेजर सर्जरी हो जाती है, तो कोई ज्यादा बड़े टांके आगे नहीं लगते हैं। उड़े बात कर समझ में आ रही नहीं आ रहा है, सीधे उड़े बात करें पता है अपन कहाँ से, यूरेथ्रा वाली पास से उड़े बात करें पता है, डॉक्टर को पास कराते हैं, वहां लेजर डालते हैं और उड़े बात करें क्रिस्टल के फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में निकल के वो बाहर आ जाता है। तो आज के टाइम पे मेडिकल साइंस काफी तरक्की पर है, उड़े बात करें तो बहुत बड़े जो ऑपरेशन बहुत छोटे हो गए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा पता है क्या बेटा, इस उड़े बात करें पता है यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी इस दीदी यूरेटर की जो बेटा ओपनिंग है, ब्रॉड फनल लाइक दीदी ओपनिंग आपको दिख रही है, इस ओपनिंग को अपन नाम क्या देते बेटा बात करें, रीनल पेल्विस। क्या नाम देते, रीनल पेल्विस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बुरे बात करें किडनी, रीनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ बेटा बात करें क्या दीदी बात करें, पार्ट ऑफ जल्दी बोलो यूरेटर, मतलब बेटा बात करें यूरेटर की, बुरे बात करें ब्रॉड फनल से जो ओपनिंग होती है उसको अपन नाम देते बेटा बात करें रीनल पेल्विस। क्या बोलते बुढ़िया, तो ये बेटा बात करें रीनल पेल्विस है। क्या है बुढ़िया बात करें जल्दी बोलो, रीनल पेल्विस है ना। क्या बोलते इसको आप चाहो तो अलग से बोल दो, यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या है ये, रीनल पेल्विस, पेल्विस, रीनल पेल्विस गुड़े बात करें वो जगह होती है जहां से बेटा बात करें क्या, गुड़े बात करें किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स, मतलब गुड़े बात करें रीनल आर्टरी इंटर करती है और रीनल बेटा बात करें वेन एम्प्योर ब्लड लेकर के आती है। जो गुड़े बात करें पता है किडनी को बेटा बात करें प्योर ब्लड लेके जाए, उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है बेटा बात करें, रीनल आर्टरी, ये प्योर ब्लड लेके जा रही है। जो गुड़े बात क्या पता है यहाँ पे इंप्योरिटी पैदा हुई उसको जो ब्लड वेसल्स बेटा बात कर लेके आएगी, उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है बेटा बताओ, बुरे बात करें रीनल वेन। क्या नाम है इसका जल्दी बोलो बेटा बात करें, रीनल वेन, मतलब ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड लेके आ रही है। साथ में बुरे बात करें यहाँ से क्या जाते हैं बेटा बात करें, नर्व फाइबर। क्या जाते हैं गुड़िया, नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर भी बुरे बात करें यहाँ से फ्लो होते हैं। रीनल पेल्विस बेटा बात करें पता है वो बेटा बात करें हमारे पास जगह होती है जहां से किडनी में गुड़े बात करें क्या, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर बेटा बात कर इंटर करते हैं। कौन कौन बेटा बात करें, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। बात समझ पा रहे, अच्छा इसको अपन ने क्या नाम दिया था, यूरेटर। क्या बोला था बेटा बात कर, यूरेटर। और यूरेटर बेटा बात क्या पता है यहाँ से जो बुढ़े बात के यूरिन को ला रहा है, अरे ला रहा है कि नहीं ला रहा, ला रहा है ना, उसको दीदी कहाँ पे स्टोर कर देगा ये बताओ बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर कर देगा जल्दी बोलो, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, आराम से करेगा। अच्छा गुड़े बात करें, अब आपने देखा बेटू बात करें कि ये जो आपने बोला किडनी के ऊपर बाहर क्या है बेटा बात करें, हमारे पास टफ्ट गुड़े बात करें कवरिंग है जिसको अपन बोलते हैं क्या, रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का फॉर्मेशन किससे होता है जल्दी बोलो बेटा बात करें, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से। व्हाइट फाइबरस गुड़े बात करें, फाइबरस का मतलब क्या है, फाइबर, प्रोटीन के बंडल, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू दीदी होता है। और आपको पता है मेन कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्यों बुरे बात करें, ये कोलिन फाइबर, लास्ट में फाइबर, रेडिकुलिन फाइबर है, वो आपको कनेक्टिव टिश्यू में ही मिलेंगे। बस समझ पा रहे, वैसे तो ये बुरे बात करें फाइबर जो है वो मसल के बंडल है, और यहाँ पे बेटा बात करें जो व्हाइट फाइबर का मतलब है, इस बुरे बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट दीदी बात करें टफेस्ट, समझ पा रहे बुरे, थिकेस्ट, समझ पा रहे, बंडल ऑफ मसल फाइबर, इसको अपन बोलते हैं कोलेजन फाइबर। क्या बोलते हैं, जब भी व्हाइट फाइबर कभी भी आ जाए दीदी कोलेजन फाइबर ही होगा। और नहीं अगर आपको याद रहे तो याद रखना, जब भी बेटा कहीं कवरिंग बनेगी ना बात दीदी बात करें, आपको कोलेजन फाइबर को ही लेना पड़ेगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, कोलेजन प्रोटीन, अगर आपको याद आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट अपन ने कहा बेटा बात करें किडनी के अंदर दो रीजन, एक बेटा बाहर का, एक गुड़े बात करें अंदर का। बाहर के रीजन को गुड़े अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं गुड़े, कॉर्टेक्स। माना बेटा बात कर ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये दिख रहा है गुड़े बात करें, बाहर का क्या बेटा बात करें कॉर्टेक्स, और अंदर का क्या गुड़े बात करें सब कुछ, बिल्कुल बाहर का कॉर्टेक्स गुड़े बात करें और अंदर का बेटा बात कर सब कुछ क्या, मेडुला, ठीक है ये कंडीशन है। बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का क्या गुड़े बात करें मेडुला। मेडुला बेटा बात करें क्या होता है, 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड रीजन में गुड़े बात का डिवाइड होता है। मेडुला के अंदर गुड़े बात करें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है गुड़े बात का, और पिरामिड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन है। क्या है, ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन गुड़े बात करें। इन पिरामिड का नंबर कितना होता है बेटा बात कर, इनका नंबर होता है गुड़े बात का जल्दी बोलो कितना होता है, बिल्कुल 8 to 12। बहुत बढ़िया, आगे क्या मोहन प्यारे,
नहीं है मतलब। ये गुड़े बताओ क्या है हमारे पास? एक पिरामिड। कहाँ गए थे तुम? बंद हो गया बारिश? तो तुम कैसे आ गए? बारिश को चकमा दे दिया मतलब तुमने? रहने दो, अपना तो वीडियो है, क्या फर्क पड़ता है। बुरे बात कर रहे, ये क्या हमारे पास? दूसरा पिरामिड हो गया। तीसरा पिरामिड बेटा बात करें। ये बुरे बात के पिरामिड में आना क्या बेटा? बेटा बात करें नेफ्रॉन। क्या ना बेटा बात करें? नेफ्रॉन। ऐसे अपन बुरे बात करें, क्या बनाते जा रहे बेटा? जल्दी बोलो। रीनल पिरामिड। बहुत बढ़िया। बुरे बात करिए। रीनल पिरामिड कितने बन गए बेटा लगभग? बोलू ये अपन को रीनल पिरामिड का नंबर कितना चाहिए? बहुत बढ़िया गुड़िया, 8 to 12 चाहिए बेटा अपन को ये। ठीक है, लगभग दीदी अपन ने कितने बना लिए बेटा बात कर? देखो गुड़िया 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो थोड़ा और बना लो, लेकिन जरूरत नहीं है, पर आप समझ गए ना बेटा कितने होते हैं गुड़िया। एक किडनी में लगभग कितने होते हैं ये? 8 to 12 गुड़िया बात कर रीनल पिरामिड होते हैं। ये गुड़े बात करें रीनल पिरामिड है। रीनल पिरामिड होते क्या है बेटा बात करें? ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन। क्या होते हैं? अपने देखिए पढ़ा था गुड़े बात करें, एक किडनी के अंदर लगभग बेटा बात करें क्या होते हैं? 1 मिलियन मीन्स 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। और इसका मतलब क्या है? और अपन ने ऐसा कहा कि एक किडनी में गुड़े बात करें हमारे पास लगभग 8 से 12 क्या है बेटा बात करें? रीनल पिरामिड है। कॉर्टेक्स में तो आपको गुड़े बात के नेफ्रॉन मिलेंगे नहीं, कॉर्टेक्स के और गुड़े बात करें पता है मेडुला, दोनों गुड़े बात करें में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे कॉर्टेक्स में गुड़े नेफ्रॉन मिले या पूरे मेडुला मिले, हर एक नेफ्रॉन का बेटा बात कर आपको पता होना चाहिए कि जो गुड़े उसका हमारे पास मेलपिजन बॉडी पार्ट होता है, उसका जो पीसीटी होता है, उसका जो डीसीटी होता है, वो कहाँ मिलेगा गुड़े? कॉर्टेक्स में। और बेटा बात कर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ मिलेगा बेटा बात कर? ये मिलेगा आपको रीनल पिरामिड में। रीनल पिरामिड मतलब मेडुलरी पिरामिड, किडनी का पिरामिड बोलो और मेडुला के रिस्ट बोलो तो मेडुलरी पिरामिड हो गया। तो ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन है। आप अगर देखो बेटा बात कर तो कुछ इस तरीके से कंडीशन आपको दिख जाएगी। मैंने कहा बेटा बात कर ये गुड़े बात कर क्या नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में गुड़े बात कर कितने पार्ट होते बेटा बात कर? मेनली अच्छे से पता है मेलपिजन बॉडी। मेलपिजन बॉडी किससे बनी होती है गुड़े बात कर? वुमेन्स कैप्सूल गुड़े बात कर प्लस ग्लोमेरुलस। बहुत बढ़िया। अब बेटा बताओ गोलू इसमें ये क्या बना रहे अपन? ये बना रहे बेटा पीसीटी। क्या बना रहे? पीसीटी कहाँ दिख रही है? दिख रही कुछ आपको? ये पीसीटी है गुड़े बात कर मतलब वुमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर गुड़े बात कर आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें? ब्लड वेसल्स का गुड़े बात करें क्या कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा बात करें क्या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस गुड़े बात करें। और बेटा बात करें कप लाइक स्ट्रक्चर को अपने बोला वुमेन्स कैप्सूल, को अपन एक साथ बोलते हैं मेलविजन बॉडी। मेलविजन बॉडी कहां पर है? कॉर्टेक्स में। कहां है बेटू? फिर गुड़े बात करें पीसीटी कहां पर है? कॉर्टेक्स में। कहां पर है? कॉर्टेक्स में। उसके बाद दीदी बात कराता है क्या बेटा लूप ऑफ हेनले। क्या आता है गुड़े बात करिए? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहां मिलेगा बेटा बात कर? मैं लिया आपको मेडुलर में। बहुत बढ़िया। ये गुड़े बात के हमारे पास क्या है बताओ बेटा बात करें? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले कहां गया गोलू बात करें? मेडुलरी पिरामिड में। उसके बाद बताओ बेटा बात कर बाहर निकला क्या कहलाएगा ये? डीसीटी। क्या कहलाएगा? तो डीसीटी कहां पर है बेटा बात करें? कॉर्टेक्स में। अरे बात समझ में आ रही गुड़े बात करें। डीसीटी के बाद क्या आएगा बेटा बात करें? कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाएगा? तो कलेक्टिंग डक्ट भी कहां पर है बेटा बात करें हमारे पास? बिल्कुल। और कलेक्टिंग डक्ट बेटा बात कहेंगे चलते चलते बेटा बात करें ओपन कहां पर होती है गुड़े बात करें? रीनल पैपिला में। कहां पर ओपन होती है? रीनल पैपिला में। इस तरीके से यहां दीदी ओपन होती है।
तो अगर आप उनको दिखाएं बेटा, बात करें आपसे बात करें कि किसी नेफ्रॉन की बात करो, नेफ्रॉन में बेटे दो ही पार्ट है, एक तो बेटा बात करें कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं मेलपिजन बॉडी, क्या बोलते हैं, दूसरा बेटा बात करें टिब्यूलर, टिब्यूलर में बेटा पीसीटी भी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है और कलेक्टिंग टिब्यूल है। तो बेटा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग टिब्यूल कहाँ मिलेगा आपको, मेडुलरी पिरामिड में। और बेटा बात करें पता है इस नेफ्रॉन का मेलपिजन बॉडी पीसीटी और डीसीटी कहाँ मिलेगा बेटा, कॉर्टेक्स में। इसका मतलब कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन इस तरीके से डिवाइड होते हैं। कभी भी अपन किडनी का बेटा बात करें बाहर का रीजन देखो, उसमें आपको जब भी मिलेगा नेफ्रॉन का क्या मिलेगा, पूरा बोमस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मतलब मेलपिजन बॉडी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बूढ़े बात करें। लेकिन जो मेडुला है, मेडुला में बेटा बात करें क्या क्या मिलेगा अपन को, एक तो बूढ़े बात करें लूप ऑफ हेनले, क्या के लिए, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, मुझे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना है, ज्यादा वाटर का कंजर्वेशन करना है, तो बूढ़े बात करिए कंडीशन। नेक्स्ट अपन ने क्या बोला बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो, कलेक्टिव टिब्यूल, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, मेडुलरी पिरामिड में। तो दोनों चीजों को दीदी याद रखना है। कॉर्टेक्स की बुरे बात करें, अगर अपन ऑस्मोलरिटी देखें किसकी बेटा बात करें, कॉर्टेक्स की, यहाँ पर कॉर्टेक्स का जो गाढ़ापन है ना गुड़िया, वो लगभग कितना होता है बेटा बात करें, कॉर्टेक्स की अगर ऑस्मोलरिटी अपन देखने जाएं तो बहुत ही बुरे बात करें आपकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी के बराबर, नियरली बेटा बात करें 300 मिली ऑस्मोल बुरे बात करें क्या पर लीटर, क्या है बेटा बात करें, मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब बुढ़े बात करें पता है इसकी ये यूनिट आएगी मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर जैसे बेटा बात करें अपन कहाँ जा रहे होते हैं, बुढ़े बात करें कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, बुढ़े बात करें ये कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती है, 300 टू 400 टू 600 टू 800 टू, दीदी बात कर 1000 टू, बुढ़े बात कर पता है नियरली चलते चलते बेटा बात कर जैसे तुम रिनल के बुढ़े बात कर पैपिला पर पहुंचते हो, बुढ़े बात कर ये कंसंट्रेशन हो जाती है बेटा बात करें क्या 1200 बुढ़े बात करें मिली ऑस मोल, बस समझ पा रहे बेटा बात करें क्या पर लीटर। ये बुढ़े उस तरीके से गाढ़ापन बढ़ता है। मतलब बेटा बात करें अगर मैं कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेडुला में, तो बुढ़े बात करें पता लगातार आपके जो बुढ़े बात में ग्लूमेर फिल्ट्रेट है या जो बेटा बात करें रीनल बुढ़े बात का पता फ्लूड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जाती है। और हाई ऑस्मोलरिटी का उच्च परासरणता का मेडुलरी पिरामिड बेटा बात करें मेडुलर रीजन में बुढ़े कारण क्या है, NaCl और बेटा यूरिया। यहाँ पर जो हाई ऑस्मोलरिटी होती है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, हाई ऑस्मोलरिटी का कारण क्या है बेटा बात करें यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एंड बेटा बात करें क्या यूरिया। यूरिया यहाँ पर बात करो NaCl ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है वहां गाढ़ापन ज्यादा रहता है, ये तो अपन को वैसे ही पता है। तो बेटा बात करिए दीदी याद रखना, कॉर्टेक्स से अगर अपन पिरामिड की तरफ जा रहे हैं मतलब मेडुलरी रीजन में जा रहे हैं तो लगातार बेटा बात का ऑस्मोलिटी क्या होती है बढ़ती है। और कहां से कहां तक जाती है बुरे बात करें, 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बेटा बात करें बताओ व्हाट्स द बेटा बात करें मेन कॉज फॉर हाई ऑस्मोलिटी इन गुड़े बात करें मेडुलरी रीजन, क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl एंड यूरिया। मेडुलरी रीजन में बुरे बात का ज्यादा गाढ़ापन का उच्च परासरणता का कारण क्या होता है, NaCl और यूरिया की ज्यादा मात्रा का होना। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है नहीं, मैं पिरामिड से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं मेडुला से कहाँ जा रहा हूँ कॉर्टेक्स की तरफ, अगर आप मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हो तो ऑस्मोलिटी फिर से क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी और सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट। आपके ब्लड का दीदी बात करें ऑस्मोलिटी कितना होता है, नियरली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था बेटा कि जब आपने कहा गुड़े बात करें कि इन वन किडनी एक किडनी के अंदर बेटा बात करें नियरली गुड़े बात करें 10 लाख, 10 लाख गुड़े बात करें क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। वन किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है और बेटा बात करें वन किडनी में ही 8 टू गुड़े बात करें 12 क्या होते हैं हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा बात करें मेडुलरी या रीनल पिरामिड बोलो। अगर इनका एवरेज निकालना बेटा बात करें 8 और 12 का कितना आएगा 10, तो अपन ये मानते चलो दी ना 8 है ना 12 है, माना 10 है, कितने बेटा बात करें 10 मेडुलरी पिरामिड है। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, एक किडनी बेटा बात करें हमारे पास कितने आ रहे हैं 10 लाख नेफ्रॉन आ रहे हैं और एक किडनी में गुड़े बात करें 10 क्या आ रहे हैं बेटा बात करें हमारे पास मेडुलरी पिरामिड आ रहा है। और गुड़े बात करें मेडुलरी पिरामिड इज अ साइट ऑफ बेटा बात करें क्या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का साइट ही क्या है मेडुलरी पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड ही क्या है ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन। इसका मतलब बेटा बात करें एक मेडुलरी पिरामिड में कितने गुड़े नेफ्रॉन आएंगे 1 लाख, क्या जाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ बेटा बात करें कि एक किडनी के अंदर बेटा बात करें 10 लाख नेफ्रॉन है और एक किडनी के अंदर से बेटा बात करें बोलूँ क्या 10 पिरामिड है और जो भी नेफ्रॉन है वो सारे के सारे कहाँ है केवल पिरामिड में। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, एक किडनी बेटा बात के 10 पिरामिड है और गुड़े बात के पिरामिड की अगर गुड़े अगर बोले नेफ्रॉन अगर है तो वो पिरामिड में है, तो इसका मतलब एक पिरामिड में कितने नेफ्रॉन आ रहे हैं नियरली 1 लाख, समझ में आ रहा है। जो मैंने बेटा बात कर बंद तुम्हें रिप्रेजेंट किया है ऐसे 1 लाख
नेफ्रॉन पूरे बात करें कहां पे रहेंगे बेटा, बात करें एक रीनल पिरामिड में होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रही है? तो ये गुड़े बात का आपको बेटा याद रखना है, समझ में आ रहे? अच्छा दूसरे वाले पॉइंट की तरफ गुड़े बात कराएंगे, बढ़ते हैं, है ना। कॉर्टेक्स है ये बाहर का रीजन, ये कॉर्टेक्स है, ये गुड़े बात कर पाता है जहां जहां बेटा बात कर मेडुला है, मतलब जहां जहां पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना रखे। मतलब ये गुड़े बात करे जो हमारे पास रीनल पिरामिड है वो है क्या, जो मेडुलरी पिरामिड है वो है क्या, वो गुड़े बात के हमारे पास क्या ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं। इस रीजन को अपने क्या नाम दिया गुड़िया, इसको नाम दिया अपने कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट रीजन। क्या कहलाता है? नहीं आउटर मोस्ट रीजन तो है पर है क्या, कॉर्टेक्स। बहुत बढ़िया, ये बेटा बात करे कॉर्टेक्स है, आउटर मोस्ट रीजन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। पूरे बात करें कॉर्टेक्स का दीदी बात कर पता है वो पोर्शन जो मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में धंसा होता है। उठा करके देखो अभी, बोलू बात करके मैं आपको दिखाऊं, ये कॉर्टेक्स है बेटा। अरे कौन है ये, आपने कहा ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में दीदी आपने देखा ये पिरामिड है, लेकिन इसके बीच में दीदी बात कर पता है पिरामिड एब्सेंट है। तो बुरे बात क्या पता है वो कॉर्टिकल रीजन जो बेटा बात कर पता है रीनल पिरामिड के बीच बीच में धंसा होता है, कहाँ धंसा होता है, रीनल पिरामिड के बीच में धंसा होता है, समझ में आ रही बुढ़िया। ये गुड़े बात के पैरा लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसलिए गुड़े बात के इन पैरा लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं गुड़े बात का, जल्दी बोलो, कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, कॉलम ऑफ बैटनी। कॉलम ऑफ ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, नहीं कॉलम ऑफ बैटनी, खैर फर्क नहीं पड़ता, आपको ये समझ में आना चाहिए गुड़े बात करें कि बताओ कॉलम ऑफ बैटनी बेटा किसका पार्ट है, कॉलम ऑफ बैटनी गुड़े बात करें किसका पार्ट है, गुड़े बात करें मेडुला की कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का, क्योंकि कॉर्टेक्स ही बेटा बात कर पता है कहां पे धंसा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में, जहां भी जगह मिलेगी दीदी बात करें मेडुलरी जो जो कॉर्ट मतलब सॉरी जो कॉर्टिकल फ्लूड है वो बेटा बात करें कहां भर जाएगा, गुड़े बात करें मेडुला रीजन में। तो मेडुलरी रीजन में गुड़े बात करें, कॉर्टेक्स की बेटा बात करें इन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को अपन नाम देते गुड़े बात करें क्या, इनको अपन बोलते गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, इनको अपन बोलते कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बोलते बेटा, कॉलम ऑफ बैटनी। तो ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये कहलाते गुड़े बात करें कॉलम ऑफ बैटनी। कौन सा स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा दीदी बात करें कॉलम ऑफ बैटनी। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा ये, कॉलम ऑफ बैटनी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो गुड़े बात करिए कॉलम ऑफ बैटनी है, इन पे क्वेश्चन लगातार आता है, किससे आता है कि कॉलम ऑफ बैटनी क्या होता है बताओ गुड़े बात करें, कॉलम ऑफ बैटनी क्या होता है बोलो जरा बेटा, बात करें बिल्कुल जल्दी बोलो, कॉर्टिकल रीजन बेटा बात करें, समझ पा रहे क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रीजन बेटा बात करें, फिल्ड विथ पेनिट्रेटेड विथ गुड़े बात करें विथ, जल्दी बोलो, पेनिट्रेटेड गुड़े बात करें, ऐसा अपने कहा है कॉर्टिकल गुड़े बात करें रीजन, कॉलम ऑफ बैटनी क्या होते हैं कॉर्टिकल रीजन, कॉलम ऑफ बैटनी ऐसा बेटा बात करें कॉर्टिकल रीजन गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो। फील्ड बिटवीन बेटा बात करें क्या, मेडुलरी पिरामिड, कहाँ फील्ड होती है गुड़े बात करें मेडुलरी पिरामिड के बीच में, तो इनको अपन बोलते हैं दीदी बात करें क्या, कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बोले बेटा बात करें, कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बोले बेटा इसको, कॉलम ऑफ बैटनी गुड़े बात करें। कौन सा रीजन है ये, कॉर्टिकल रीजन। कौन सा रीजन है ये गुड़े बात करें, कभी भी इतना मत मान लेना कि मेडुला का रीजन है, बिल्कुल नहीं, कॉर्टिकल रीजन है बेटा बात करें। क्या है ये, कॉर्टिकल गुड़े बात करें रीजन, ये कॉर्टिकल बेटा बात का हमारे पास क्या है, फ्लूड है, समझ पा, जिसके इसके अंदर भरा होता है। अगर अपन गुड़े बात करें कुछ आगे बात करना चाह रहे हैं इनके बारे में, ये जो बेटा बात के हमारे पास क्या भरे बताओ गुड़े बात करें, इसके अंदर क्या आ रहा है याद है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन गुड़े बात के जो भरे हैं इनके अंदर, किनके अंदर, पिरामिड के अंदर, ठीक है ना। इन गुड़े बात के पिरामिड की ओपनिंग को अपन क्या नाम देते बेटा, इन पिरामिड की ओपनिंग को अपन क्या नाम देते हैं, रीनल पेपिला। क्या बोलते बेटा बात करें, तो गुड़े बात करें ओपनिंग ऑफ गुड़े बात करें रीनल पिरामिड इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, रीनल पेपिला। क्या बोलते बेटा बात करें, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला। क्या बेटा बात करें, रीनल पेपिला किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ गुड़े बात करें क्या मेडुला, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, या पार्ट ऑफ बेटा बात करें पिरामिड, पार्ट ऑफ पिरामिड, समझ पा रहे। रीनल पिरामिड का गुड़े बात करें ओपनिंग कहलाता है क्या बेटा बात करें हमारे पास, रीनल पेपिला, दीदी याद रखना। दूसरी कंडीशन की बात है, अच्छा ये हमें चित्त को याद रह जाता है पर हमें ये समझ नहीं आता गुड़े कौन किसका पार्ट है, ये तुम्हें जरूर याद रखना है। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें कॉलम ऑफ बैटरिंग इज अ पार्ट ऑफ बेटा बात करें क्या, कॉर्टेक्स। गुड़े बात करें रीनल पेपिला इज अ पार्ट ऑफ बेटा बात करें क्या, रीनल पिरामिड, या ओपनिंग ऑफ रीनल पिरामिड याद रहेगा, या मेडुलरी पिरामिड बोलो, ठीक है। दूसरे गुड़े आपने देखा हो क्या बोला है, ये जो गुड़े खांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है किडनी का, आपने देखा दीदी बात करें आउटर सर्फेस से, ये कैसा है, वल्च लाइक उठा हुआ है,
समझ पा रहे, कॉन्वेक्स है। दीदी बात करें उत्तल है, लेकिन अंदर वाला रीजन देखें जहां से गुडे बात करें, ब्लड प्रेशर आ रही है, यूरेटर निकल रहा है, गुडे बात करें उस रीजन में आपने देखा ये हल्का सा खांचला की स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस खांचला की स्ट्रक्चर को नाम देते बेटा बात करें क्या, हाइलम। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हो? हाइलम, रीनल हाइलम। कौन है बेटा ये? ये है दीदी बात कर रीनल हाइलम। ये जो खांचला की स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं गुड़िया? हाइलम। तो गुड़िया बात किस चीज को याद रखो बेटा बात करिए, क्या हमारे पास ये गुड़िया बात का हमारे पास हाइलम है। क्या है? हाइलम, ये खांचला की स्ट्रक्चर। दूसरी बात आपने देखा बेटा कॉलम और बैटनी, कॉलम और बैटनी, कॉलम बैटनी के बीच में गुड़िया बात का जहां पे आपका बेटा बात करे क्या रीनल पिरामिड दीदी बात करे या मेडुलर पिरामिड ओपन हो रहा है, जहां से गुड़िया बात का वो यूरिन को डिस्चार्ज करता है कहां पे, इस गुड़े बात करें खांच में, जहां से बेटा यूरिन को उठाता है कौन, यूरेटर। इस गुड़े बात का पता है ओपनिंग को, जहां पर गुड़े बात करें आपके नेफ्रोन से आने वाला गुड़े बात करें कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है, यूरिन को सीक्रेट करता है। इस गुड़े बात का पता है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये दिख रही है हल्की सी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, अरे दिख रही है हल्की सी खांच जैसा स्ट्रक्चर, इनको अपन नाम देते बेटा बात करें माइनर कैलेक्स। क्या बोलते हैं मैडम? अब माइनर कैलेक्स का नंबर कितना होगा? अगर एक बेटा बात करें पिरामिड, एक माइनर कैलेक्स, दूसरा माइनर कैलेक्स, तीसरा, सीधी सी बात है जितना बेटा बात करें हमारे पास क्या होंगे रीनल पिरामिड होंगे, उतना ही गुड़े बात करें क्या होगा ये वाली जगह होगी। इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको अपन नाम देंगे बेटा बात करें जी ये बेटा बात करें माइनर कैलेक्स है, और इनका नंबर रीनल पिरामिड के बराबर ही होता है 8 to 12। बात समझ में आ रही है? ये गुड़े बात के हमारे पास क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है बेटा बात करें? किडनी। किडनी में मेनली गुड़े बात कुछ याद नहीं रखना आपको, छोटा सा पार्ट है गुड़े बात करें। किडनी का वेट कितना होता है आपको पता अच्छे से? 122 170 ग्राम, नियरली अपन दीदी बात के 150 एवरेज बोला था। किडनी की पोजीशन कहाँ होती है बेटा बात करें? डॉर्सल साइड गुड़े बात करें लास्ट थोरेसिक टू गुड़े बात करें क्या थर्ड लंबर T12 टू गुड़े L3 याद है बेटा गुड़े बात करें। इसका बेटा बात करें हमारे पास डायमीटर की बात करें मतलब लेंथ क्या होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ क्या होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस क्या होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। कैसा ऑर्गन है? रेट्रोपेरिटोनियल। कैसा ऑर्गन है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। पूरे बात करें फंक्शन क्या है बेटा बात करें? एक्सक्रीशन ऑफ पूरे बात करें नाइट्रोजिनस बेस्ड पूरे बात करें मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, इसको हटाएगा। किडनी का बेटा बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है पूरे बात करें? नेफ्रॉन। रियल में यदि फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन करता है किडनी नहीं करता है। किडनी तो पूरे बात करें पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो किससे बना बेटा बात करें? कॉर्टेक्स और मेडुला से। अंदर वाले रीजन को अपन क्या बोलते हैं? मेडुला। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। बेटा बात करें मेडुलरी रीजन किस में डिवाइड होता है बेटा बात करें? मेडुलरी पिरामिड में। मेडुला जो अंदर वाला रीजन है वो किस में डिवाइड है? मेडुलरी पिरामिड में। मेडुलरी पिरामिड बेटा बात करें नंबर कितना होता है? 8 to 12। मेडुलरी पिरामिड क्या होती है? ग्रुप ऑफ बेटा बात करें नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं नियरली आपको अच्छे से पता है? कितना होता है? 10 लाख 1 मिलियन। और एक किडनी में बेटा पिरामिड कितने होते हैं? 8 to 12 मतलब 10। तो गुड़े बात का मतलब क्या है? 1 लाख नेफ्रॉन गुड़े बात का प्रेजेंट इन बेटा बात करें 1 गुड़े बात क्या है ईच रीनल पिरामिड मेडुलरी पिरामिड। इसका मतलब बेटा समझ में आया 1 लाख नेफ्रॉन ग्रुप का नाम है लगभग बेटा बात करें क्या मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड की ओपनिंग क्या कहलाती है? मेडुलरी पिरामिड की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है बेटा बात करें? वो कहलाती है गुड़े बात का रीनल पैपिला। क्या कहलाती है? रीनल पैपिला गुड़े बात करें। हाइलम क्या है दीदी? हाइलम क्या है? हाइलम इज बेटा बात करें नोच लाइक कॉनकेव स्ट्रक्चर और बेटा बात करें क्या किडनी। समझ पा रहे? अच्छा दूसरा बेटा बात के हमारे पास क्या बोला अपने बेटा बात के यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? वो डक्ट जो गुड़े बात करें यूरिन को उठाकर निकाल लिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से। गुड़े बात करें ओपनिंग ऑफ गुड़े बात करें ब्रॉड फनल से बेटा बात करें ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन किडनी इज कॉल्ड बेटा बात करें रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। वो रीजन जहां से बेटा बात के ब्लड प्रेशर सेंटर करती है, आर्टरी आती है प्योर ब्लड लेकर के, वेन जाती है प्योर ब्लड लेकर के, नर्व फाइबर आते हैं गुड़े बात के सेंसेशन देने को। आपको पता है जहां भी लिविंग टिश्यू को बाहर बेटा बात करें न्यूरॉन का गुड़े बात करें समझ पा रहे इंट्रोडक्शन जरूर है, वहां न्यूरॉन दीदी बात करें जरूर जाएगा क्योंकि इंपल्स गुड़े बात करें पता है उस फंक्शन के या उस दीदी बात का ऑर्गन के फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा? करेगा तो न्यूरॉन ही ना। इंपल्स वहां से उठा के लाना है, इंपल्स वहां तक बेटा पहुंचाना है मतलब उस फंक्शन के या उस दीदी ऑर्गन के फंक्शन का रेगुलेशन अगर किसी को करना है तो वो कौन करेगा? वो करेगा बेटा बात करें कौन? नर्व फाइबर। कौन करेंगे? तो नर्व फाइबर बेटा बात करें। प्लीज रीनल पेल्विस याद रखियो किसका पार्ट है? यूरेटर की ओपनिंग है। हाइलम गुड़े बात करें पार्ट ऑफ बेटा बात करें क्या? किडनी है। रीनल पेप सॉरी दीदी बात करें मतलब हाइलम इज हाँ पार्ट ऑफ किडनी है गुड़े बात करें। और रीनल जो गुड़े बात करें पेपिला है वो पार्ट ऑफ बेटा बात करें क्या है? वो रीनल पिरामिड है। ये क्वेश्चन दीदी ऐसे ही बनेंगे समझ में आ रहा बेटा। दूसरी कंडीशन आपने कहा बेटा बात करें टफ्ट गुड़े बात करें समझ पा रहे और स्ट्रॉन्गेस्ट गुड़े बात करें हार्ड कवरिंग और बेटा बात करें रीनल मतलब गुड़े बात करें किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल।
बात समझ में आ रहा है? रीनल कैप्सूल किसका बना होता है? बेटा बेटा बात करें व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कहा बेटा बात करें कॉलम ऑफ बैटनी। क्या कहा? कॉलम ऑफ बैटनी। कॉलम ऑफ बैटनी क्या होता है गुड़े बात करें? कॉलम ऑफ बैटनी इज द बेटा बात करें कॉर्टिकल रीजन गुड़े बात करें बेचा है प्रोजेक्टेड बिटवीन द गुड़े बात करें क्या मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में गुड़े बात करें धसे हुए कॉर्टेक्स के क्षेत्रों को ये अपन क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बैटनी। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिखे रहे इसलिए बोलते हैं कॉलम ऑफ बैटनी गुड़े बात करें। नेक्स्ट अपन ने कहा बेटा बात करें क्या ऑस्मोलिटी। जैसे गुड़े बात करें कॉर्टेक्स से अपन कहाँ जा रहे हैं मेडुला की तरफ जा रहे हैं अंदर गुड़े बात करें आपके फ्लूड की ऑस्मोलिटी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। सोचो गुड़े बात करें अगर ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ है और वो बेटा बोमन्स कैप्सूल में है ऑस्मोलिटी क्या रहेगी 300 मिली ऑस्मोल। गुड़े बात करें पीसीटी में क्या रहेगी 300 मिली ऑस्मोल क्योंकि आपने कहा है कॉर्टिकल रीजन में बेटा बात कर जो फ्लूड की गाढ़ापन है जो ऑस्मोलिटी है वो कितना आ रहा है 300 बेटा बात कर क्या जल्दी बोलो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बात समझ में। लेकिन जैसे जैसे गुड़े बात करिए फ्लूड गुड़े बात करें पीसीटी से कहाँ जाएगा लूप ऑफ गुड़े बात करें महले लूप में या लूप ऑफ फैले के गुड़े बात किस डक्ट में अगर कोई फ्लूड गुड़े नीचे जा रहा है तो बोलेंगे डिसेंडिंग डक्ट। तो डिसेंडिंग डक्ट में नीचे चलने पर गुड़े बात करें मेडुलरी रीजन में पहुंचने पर जो ऑस्मोलिटी वो 300 से कहाँ पहुंच जाएगी 1200 लगभग 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। गुड़े बात करें इसका भी अपन रीजन सुनेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा बात करें डिसेंडिंग डक्ट ऑफ लूप ऑफ फैले में और असेंडिंग डक्ट से बेटा बात करें पता है सॉल्ट बाहर निकलने लगता है तो फिर से ऑस्मोलिटी गुड़े बात करके होने लगती है कम होने लगती है। तो गुड़े बात करें पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी कम होगी ऊपर आने पर डीसीटी तक पहुंचते गुड़े बात करें फिर से वही 300 गुड़े बात करें 200 मिली ऑस्मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़े बात करें ये कंडीशन है। इसमें कुछ आपको पूछना हो पूछ रहो ये बेटा बात करें किडनी हो बाकी किडनी के बारे में बात कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? क्या ये आपको समझ में आया? नहीं आया ठीक है चलो आज के लिए इतना काफी है नोट करो उसको देख रहे हैं गुड़े ये ये गुड़े बात करें कंडीशन ये क्या बनाया बेटा बात करें अपन ने जल्दी बोलो क्या बनाया गुड़े ये रीनल बेटा बात करें पिरामिड है ये इनकी ओपनिंग है रीनल पैपिला कौन है ये बताओ गुड़े बात करें रीनल पिरामिड और बेटा बात करें इनकी ओपनिंग क्या कहलाती है रीनल पैपिला। रीनल पैपिला ऐसा बेटा बात करें ओपनिंग को बेटा बात करें क्या रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड ठीक है गुड़े बात करें आपको पता है गुड़े इनके बीच में धंसा हुए पोर्शन को अपन ने क्या नाम दिया था कॉलम ऑफ बैटनी। क्या बात है कॉलम ऑफ बैटनी और ये आगे से चलती जा रही ठीक है गुड़े बात करें यहां से ये क्या है बताओ बेटा बात करें माइनर कैलेक्स क्या है गुड़े बात करें याद है कुछ एक माइनर कैलेक्स दूसरा माइनर कैलेक्स तीसरा माइनर कैलेक्स मतलब जहां बेटा बात करें वो खांच वो नोच लाइक स्ट्रक्चर जहां बेटा बात करें क्या होता है गुड़े बात करें आपके रीनल पिरामिड से यूरिन गुड़े बात करें क्या होता है सीक्रेट होता है डिस्चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें माइनर कैलेक्स। तो ये क्या है बेटा बात करें जल्दी बोलो बेटू बात करें माइनर कैलेक्स क्या है गुड़े बात करें माइनर कैलेक्स। तीन से बेटा बात करें चार माइनर कैलेक्स कितने गुड़े बात करें तीन से गुड़े बात करें क्या जो चार गुड़े बात करें माइनर कैलेक्स हैं समझ पर वो मिलकर क्या बनाते बेटा बात करें मेजर कैलेक्स। आपने क्या कहा बेटा बात करिए तीन से लेके चार माइनर कैलेक्स माइनर कैलेक्स माइनर कैलेक्स गुड़े बात करें तीन से चार जब बेटा बात करें माइनर कैलेक्स जुड़ते हैं तब बनता है बेटा बात करें क्या एक मेजर कैलेक्स क्या बनता है गोलू बात करें मेजर कैलेक्स। तो गुड़े बात करें ये हमारे पास जो दिख रहा है आपको बेटा ये क्या है मेजर कैलेक्स इसका मतलब कि अगर किडनी में गुड़े बात करें 8 to 12 माइनर कैलेक्स है तो गुड़े बात क्या बताओ मेजर कैलेक्स कितने होंगे 3 to 4 होंगे ठीक है बिल्कुल गुड़े बात करें। मेजर कैलेक्स बेटा बात करें कहां पर ओपन होता है रीनल पेल्विस में मतलब अगर ये गुड़े बात करें माइनर कैलेक्स है तो माइनर कैलेक्स गुड़े ओपन कहां पर होंगे इस वाले रीजन बीच वाले में माइनर कैलेक्स गुड़े बात करें मतलब माइनर कैलेक्स सब जुड़ के क्या बनाएंगे मेजर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स कहां स्टार्ट बेटा बात करें ओपन होता है रीनल पेल्विस में कहां पर होता है। तो ये गुड़े बात का अपने ऐसा बोल देते बेटा बात करें कि ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ये क्या है बताओ बेटा बात करें ये स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे गुड़े बात करें क्या रीनल पेल्विस क्या बोलेंगे गुड़े बात करें जो गुड़े बात का आपको ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखा ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन नाम क्या देंगे बेटा बात का जल्दी बोलो रीनल पेल्विस क्या बोलते हो गुड़िया रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के बाद गुड़े बात के जो आगे डक्ट जा रही है वो कहलाती है बेटा यूरेटर क्या कहलाती है
तो ये क्या है आपका यूरेटर। और यूरेटर बेटा बात करें कहां पर ओपन होता है गुड़े बात करें, आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, एक गुड़े बात करें हमारे पास बड़े से चैम्बर में, इसका नाम क्या है यूरिनरी गुड़े बात करें ब्लैडर, बस समझ पे, जहां पे यूरिन क्या होगा स्टोर होगा। तो कुछ गुड़े बात किस तरीके से फंक्शन चलता है, कैसे गुड़े बात करें, रीनल पिरामिड मतलब मेडुलरी पिरामिड के बीच का गुड़े बात करीजिए कहना था कॉलम बैठना, पर गुड़े बात करें ओपनिंग वाली जो नॉच है, ओपनिंग गुड़े बात करें पता है नॉच लाइक स्ट्रक्चर, ये गुड़े बात करें बिल्कुल ओपनिंग नॉच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा बात करें रीनल पिरामिड, ये गुड़े मेडुलरी पिरामिड इज कॉल्ड बीटा बात करें क्या माइनर कैलेक्स, 3 to 4 माइनर कैलेक्स गुड़े बात करें पता है फॉर्म 1 बीटा बात करें क्या मेजर कैलेक्स गुड़े बात करें, समझ पा रहे 1 गुड़े बात करें हमारे पास मेजर कैलेक्स, समझ पा रहे गुड़े बात करें ओपन इनटू गुड़े बात करें डायरेक्टली रीनल पेल्विस, तो गुड़े बात कैसे 3 से 4, ऐसे 3 से 4 गुड़े बात क्या पता है हमारे पास जो मेजर कैलेक्स है वो कहाँ पर ओपन होंगे बेटा बात करें रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस गुड़े बात करें इस फ्लूड को लेके कहाँ जाएगा, वो जाएगा दीदी बात के यूरेटर में, और यूरेटर बेटा बात करें कहाँ पर ओपन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करेगा, और आपको पढ़ाया था जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो बेटा बात की यूरिन के द्वारा यूरिनरी गुड़े बात के ब्लैडर की बॉल में जो गुड़े स्ट्रेच रिसेप्टर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, वो स्ट्रेच रिसेप्टर गुड़े बात करें पता है सिग्नल को गुड़े बात करें क्या करेंगे रिसीव करके बेटा बात के सीएनएस को भेजेंगे, सीएनएस से गुड़े बात का पता है मोटर न्यूरोन के द्वारा गुड़े बात के इंपल्स आएंगे और वो आपके बेटा बात के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाने वाली डेड रूट से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बेटा बात करें एक्सटर्नल गुड़े बात करें हमारे पास वॉलेंट्री स्प्रिंटर है एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्प्रिंटर उसको क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे, एक्शनल वॉलेंट्री है बेटा इंटरनल इनवॉलेंट्री है, इंटरनल तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा अगर मेरे यूरिन गुड़ बात करें, अरे मैं बोलूंगा अंदर इंटरनल है वो बाय एक्शनल है, जो इनवॉलेंट्री होगा उसके ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वैसे ही खुल जाएगा, खुलेगा तुम्हारी इच्छा से कौन मेरे डीडी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कौन है बेटा बात करें एक्शनल जो वॉलेंट्री है, बस समझ पा रहे, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा बात करें एक्शनल स्प्रिंक्टर को क्या करता है ओपन करता है रिलैक्स करता है, और यूरिनरी ब्लैडर को गुड़ बात करके क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि आपके यूरिन क्या होता है बेटा बात करें आगे पास हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है गुड़े बात का पूरा खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से गुड़े बात कर आपको ये पूरा का पूरा साइकिल देखना है बेटा, यहाँ आपको दीदी नेफ्रॉन दिखी है, देखा आपको यहाँ से यहाँ तक बेटा बात के नेफ्रॉन का पूरा रास्ता दिख गया, यहाँ से दीदी बात करके आगे फिल्ट्रेट को रिलीज किया, फिल्ट्रेट को जैसे ही रिलीज किया बेटा बात कर माइनर कैलेक्स से गुड़े बात कर उसको रिसीव किसने किया मेजर कैलेक्स ने, मेजर कैलेक्स ने गुड़े बात कर इसको ट्रांसमिट कहाँ किया बेटा बात कर बताया गुड़े बात कर रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस ने गुड़े बात कर पता इसको ट्रांसमिट कहाँ किया गुड़े बात यूरिनरी में, और यूरिनरी ने गुड़े बात कर इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दिया यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करेगा हर समय तो बन जाते नहीं सुसु, फिर गुड़े जब एक लिमिट के बाहर ही आपका गुड़े बात का बैग भर जाएगा तो बेटा बात करें यूरेथ्रा के द्वारा ये बॉडी से क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा बेटा बात का हमारे पास क्या था साइकिल था, मैंने आपको पिक्चर जब गुड़े बात करें दी तो उस पिक्चर में बेटा बात कर पता ये सारे फिगर बनाने की पूरी कोशिश की है, अरे बनाए कि नहीं बनाए गुड़े बात करें, इसमें देखो तीनों पिक्चर गुड़े बात कर जो आपको दिए हैं तीनों बना रखे हैं, ये आपका किडनी है इसमें देखो गुड़े बात कर वैसे ही नंबरिंग किया बेटा जो आपको दिया है बना करके है ना लिख करके, ये गुड़े बात का हमारे पास वही वाला पोर्शन है कौन सा बेटा जो गुड़े बात का मैंने वहां बना रखा है देखो यहाँ पे समझ पा रहे हो, दूसरी गुड़े बात कर ये वाला पोर्शन कौन सा बेटा बात करें ये है, तो तीनों पोर्शन गुड़े बात कर आपको दिए हैं समझ में आ रहा है, एक एक लाइन क्लियर की है, पर उम्मीद है गुड़े बात करके अब आपको भूला नहीं है ठीक है, चलो रीडिंग मारो बुक की जरा एनसीईआरटी की।